श्रोताओं, विज्ञान पत्रिका के संक में आज आप सुनेंगे सीएसआईआर निस्पर द्वारा संचालित वन वीक वन लैब कार्यक्रम के संबंध में माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मनोज मायणकर की बातचीत। नमस्कार, एक विशेष दिन है आज यहाँ पर एनपीएल लैब में। वन वीक वन लैब जो श्रृंखला है माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो शुरू हुई थी, अलग अलग लैब्स में सीएसआईआर के उसे आयोजित किया गया। आज हम यहाँ उपस्थित हैं एनपीएल में क्योंकि एक और विशेष संस्था है जो अब जुड़ने वाली है वन वीक वन लैब से। तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ये जो निस्पर का रोल है और आपका जो बताया हुआ वन वीक वन लैब। जैसा कि आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि पिछले 9-9.5 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है, तो विज्ञान और विज्ञान में लगे हुए हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं उनको लेकर के देश भर में रुचि भी बढ़ी है। और उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको बहुत ऊंची प्राथमिकता दे रखी है। हमारे प्रत्येक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट को, वैज्ञानिक प्रयोग को, भले ही वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और अनेकों क्रांतिकारी ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं जिससे कि हमारे वैज्ञानिक कामकाज को प्रोत्साहन मिल सके। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था अंतरिक्ष को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल देना, और जो परिणाम आए हैं, चाहे वो चंद्रयान हो या दूसरे और उदाहरण, वो आपके सामने है। तो इस तरह से ये कल्पना में आया कि हमारे यहाँ इतने सारे वैज्ञानिक संस्थान हैं जो विश्व स्तर के हैं, उनमें से एक हमारा सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, भारत सरकार का सबसे पुराने संस्थानों में से एक, लगभग आजादी के साथ ही इसका जन्म हुआ या इससे कुछ पहले, और स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें अनुसंधान होता है। और विशेषता ये कि प्रत्येक लैब 37 में से अलग अलग किसी क्षेत्र में एक शोध कर रही है। लेकिन आज के जमाने का जैसा तकाजा है कि जिन लोगों के लिए, जो नागरिक के जीवन में सरलता लाने के लिए अगर विज्ञान का उपयोग करना है, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन तक इसकी सूचना पहुंचनी चाहिए उसका कोई माध्यम तलाशा जाए, और इसलिए ये पहल की गई है वन वीक वन लैब, ताकि प्रत्येक संस्थान को एक सप्ताह अपना आप शो केस करने का अवसर रहे। विज्ञान जगत से जुड़े जो लोग हैं वो समझ सकेंगे कि कहाँ कहाँ उनको आकर के कोलैबोरेशन करना है। समाज के दूसरे वर्गों में ये समझ आएगी कि उनका कहाँ से इसके साथ संबंध बन सकता है या उनका कहाँ से स्टेक बन सकता है। और आने वाले समय में इसी अनुभव पर आधारित हम इसे आगे ले जाएंगे, वन थीम वन इंस्टीट्यूट, या वन वीक या वन मंथ वन थीम। और उसमें जैसा आपने कहा कि सीएसआईआर के अतिरिक्त जो दूसरे संस्थान है उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।